जो उनकी आँखों से बयाँ होती हैं वो लफ्ज़ किताबों में कहाँ होती हैं नमस्कार मैं कृति दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आँखें कितनी छोटी सी होती हैं पर इनमें हुनर पूरा आसमान देखने का होता है और यदि इन्हीं छोटी आँखों में एक छोटी सी तकलीफ़ी क्यों ना हो जाए मानो जीना मुश्किल हो जाता है तो दर्शकों जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नेत्र रोग के बारे में साथ ही उसके इलाज के बारे में और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक गोलबारा बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में तो दर्शकों आप जानते हैं हमारा यह कार्यक्रम फोन इन लाइव है तो देरी किस बात की फ़ोन उठाइए नंबर मिलाइए हमारा टोल फ्री नंबर है एक आठ शून्य शून्य तीन चार पाँच एक सात एक और बेझिझक नेत्र रोग से संबंधित अपने प्रश्न आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं तो डॉक्टर साहब दर्शक हमसे जुड़ेंगे तब तक हम इस विषय पर कुछ बातचीत कर लेते हैं जरूर डॉक्टर साहब सब सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अपने दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक आँखों का केयर देखभाल कैसे करना चाहिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जब हम डे टू डे लाइफ में आँखों की देखभाल की बात करते हैं दो तीन चीज़ों का खास ध्यान रखना हमारे लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपने आँखों को सही रख ढंग से रखने के लिए नियमित रूप से उसके जांच करवाना बहुत ज़रूरी है आप तकलीफ हो या ना हो एक उम्र के बाद से दैट पैंतीस से चालीस साल की उम्र के बाद आँखों की का जाँच जरूर करवाइए अगर रेगुलर इंटरवल पर नहीं तो कम से कम साल में एक बार आँखों का जाँच ज़रूरी होता है जिन लोगों की उम्र कम भी है और उन्हें किसी आँख की कोई तकलीफ है जैसे वो चश्मा लगाते हैं या किसी तरह की और तकलीफ है वो डॉक्टर के कहे अनुसार जिस समय डॉक्टर ने उन्हें बुलाया ज़रूर जाए चेकअप ज़रूर कराएँ तकलीफ़ होने का इंतज़ार मत कीजिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मुझे आँख में कुछ नहीं है इसलिए दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर तकलीफ हो गई तो फिर उसको ठीक करने के लिए दवाओं की ज़रूरत पड़ती है इसलिए जैसे कहा जाता है कि बचाव ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।, है जी सर। तो इस चीजों को पालन करते हुए उसका ध्यान रखना चाहिए कभी किसी के कहने पर या किसी दवा के दुकान पर या दोस्तों के कहने पर दवाओं का इस्तेमाल कभी मत कीजिए किसी भी दवा को आंख में अगर डालना है तो डॉक्टर की सलाह जरूर, जरूर। लीजिए डॉक्टर साहब इस विषय पे हम आगे जरूर बात करेंगे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं नमस्कार आप अपना नाम बताइए नमस्कार नमस्कार राम कुमार साहू साहब जी राम जी आपका क्या प्रश्न है मेरा आँख में बहु आँख और आँख बंद भी रहता है रात में जैसे सोते हैं तो उस समय भी कभी कभी आँख फरक नहीं रखता बंद में, में। जी। और यहाँ डॉक्टर को दिखाए है तो दवा दिया हम ऑक्सीजन नहीं और एक दवा है डीकोविट प्लस जी वो डाल आपकी आपकी तो उम्र क्या है राम कुमार जी मेरा फिक्सटी एट सिक्सटी एट फिफ्टी फिफ्टी एट अच्छा देखिए राम कुमार जी आपके आंखों की जो समस्या है आंखों का फड़कना ये एक उम्र के बाद 50 से या पैंतालीस पचास के बाद काफ़ी कॉमन होता है और ये बहुत लोगों में होता है इसमें दो तीन कारणें मेन दो ध्यान देने वाली ये हैं कि ये कभी कभी एलर्जी से भी हो सकता है जिसकी दवाएं आपको दी गई हैं मॉक्सीग्राम एरलेस आपने नाम लिया और दो तीन दवाओं के और नाम ली ये एक एलर्जी का ट्रीटमेंट है वो भी इसका कारण हो सकता है और कभी कभी शरीर में कैल्शियम की कमी से या विटामिन की कमी से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसलिए जो दवाएं आप ले रहे हैं वो तो सही है साथ में कुछ कैल्शियम की गोलियां अगर आप 20 या 25 दिन या एक महीने के लिए लें तो वो शायद आपको ज़्यादा मदद कर पाएगी जी सर तो जैसे आपने बताया अभी कि चेकअप कराना चाहिए टाइम टू टाइम अलर्ट रहना चाहिए सर बच्चों की भी बात की आपने चश्मा लग जा रहा है सर ये बहुत आम अभी शिकायतें हैं खासकर बच्चों में कि आंखों की रोशनी को लेकर काफी समस्याएं हैं बच्चों में इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए बच्चों में आंखों की रोशनी की जो समस्याएं हैं वो अब ज्यादा इसलिए पता चलने लगा है क्योंकि माता पिता ज्यादा जागरूक हो गए हैं। जी वो समय पे बच्चों का चेकअप कराते हैं हमारी सरकारों के अलग अलग सरकारी योजनाओं के अनुसार भी स्कूल्स में समय समय पे चेकअप होता रहता है ऐसा नहीं है कि बच्चों में आंखों की समस्याएं पहले नहीं थी पहले भी थी लेकिन शायद उन्हें पता नहीं चल पाता था लेकिन बहुत सारी योजनाओं के तहत स्कूल वाले भी बहुत जागरूक हो गए माता पिता बहुत जागरूक हैं इस कारण से चेकअप ज़्यादा होने से ज़्यादा परेशानियाँ पता चलती हैं प्लस हमारा जो डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी चेंजेस आ गई बच्चे पहले बाहर खेला करते थे अब मोस्टली बच्चे घर में रहते हैं टीवी मोबाइल लैपटॉप आईपैड इन सब चीजों के साथ रहते हैं तो आंखों पे कंटिन्यू स्ट्रेस होने के कारण भी ये समस्याएं काफी उत्पन्न होने लगी आगे है। जरूर बात करेंगे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं नमस्कार आप अपना नाम बताइए आनंद कुमार हेलो हाँ जी आनंद कुमार हाँ जी आनंद कहाँ से बोल रहे हैं आप आनंद जी जी आप अपना प्रश्न पूछिए आंखों में थोड़ा जलन हेलो हेलो हाँ आनंद जी आंखों में जलन और आप कुछ बोल रहे थे ओ पानी सी आती है जी डॉक्टर साहब क्या काम करते हैं आनंद जी आप मैं तो दौड़ धूप दो करता हूँ जी दौड़ धूप दो. आप मतलब मार्केट का, का काम करते हैं आ. तो अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर आप ज्यादातर धूल और सनलाइट से एक्सपोज होते हैं तो आप ऐसा करें कि आप एक सन यूज़ किया कीजिए क्योंकि धूल आँख में जाने से या कंटिन्यूस बाहर रहने से आँखों में तनाव बढ़ता है तो एक सन यूज़ करने से इसमें काफ़ी मदद मिलेगा आपको और ऐसी जगहों पर थोड़ा कम जाया करें जहाँ पर धूल या ऐसी कोई चीज़ें रहा करें जी सर तो आनंद जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप डॉक्टर साहब की बातों पर ध्यान देंगे तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे कि बच्चों में स्ट्रेस स्क्रीन ज़्यादा देखने घर बैठे खेलना कम हो गया है तो इस ये सब एक कारण हम मान सकते हैं हाँ ये सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनके कारण आजकल बच्चों का कंटिन्यूस आई पे स्ट्रेस रहता है और जितना स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे उनकी समस्याएं आके बढ़ती जाती हैं। आंखों में चश्मा लगना जलन होना या आँखों से पानी आना ये बच्चों में भी अब काफी कॉमन हो गया है हो गया। तो इसका बस यही है की समय पर बच्चों का चेकअप कराते रहें और हर माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट छः सात साल की उम्र में या एटलीस्ट आठ नौ साल की उम्र में एक बार बच्चे का रेगुलर चेकअप चेक जरूर होना चाहिए जी। जैसे कि अगर उसे किसी तरह की कोई समस्या हो तो वो हमें पता चल सके सर तो एक और कॉलर जुड़ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं नमस्कार आप अपना नाम बताइए जी आप कहाँ से बोल रहे हैं बिहार बिहार जी आप अपना प्रश्न पूछिए नमस्कार हलोल हलो हाँ बोलिए आप अपना, अपना प्रश्न पूछिए जी तो, जी तो, जी तो ने आग खराब रहता है कुछ खराब रहता है दर्शकों मैं आपसे एक उम्मीद करती हूँ कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें ताकि हमारी बातचीत आराम से हो पाए हेलो मुझे लगता है संपर्क करने में कुछ तकलीफें हो रही है हम बाद में जरूर जुड़ेंगे तो डॉक्टर साहब ये तो हो गई बच्चों की बात कि चेकअप कराना चाहिए और पेरेंट्स में अलर्टनेस आ गई है। है। जी सर तो डॉक्टर साहब एक आ, आम क्वेश्चन पूछूं कि आंखों में जलन पीलापन या कई बार आंखों से पानी भी निकल ऐसे हमारे कॉलर ने भी, भी पूछा था तो आंखों से पानी निकल जाना तो इन सभी का कारण क्या है देखिए अगेन वही है हमारा जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत बिजी हो गया है और इन्वायरमेंट भी काफ़ी पोलूटेड रहता है तो हम जब बाहर निकलते हैं तो डस्ट के साथ या ऐसी चीज़ों के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं जो आँख के साथ एलर्जी करती है एक आदमी जो सुबह से जैसे हमारे कॉलर ने बताया कि वो सुबह से शाम तक भाग का काम करते हैं तो इन सब चीज़ों के कारण आँख में डस्ट जाना एक स्वाभाविक चीज़ है और इस कारण से जो डस्ट जितना ज़्यादा जाता है आँख उतना ज़्यादा एलर्जिक होता है इसलिए बार बार आँखों में जलन होना पानी आना इसकी समस्या होती है दूसरा चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग ग्लासेस या चश्मा होने के बावजूद भी उसको इस्तेमाल नहीं करते इसके कारण भी आँख एक कंटिन्यूस तनाव में रहता है वो भी आँख से पानी आने की एक समस्या हो सकती है कुछ ओल्ड एज के साथ भी ये समस्याएँ जुड़ी जुड़ी रहती हैं तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनके कारण में पानी आना या जलाना की समस्या होती जी रहती है तो एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, बात कर ले नमस्कार क्या नाम है आपका हेलो श्रवन श्रवण जी तो क्या समस्या है आपको बताएं? आँख में उप, जो पुतली है जी उसमें थोड़ा इचिंग होता है बहुत से जी तो अभी आप कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं जी नहीं अभी नहीं तो ले रहे देखिए आपको जो समस्या है वो बेसिकली एलर्जी की समस्या है और ये मौसम बदलने के कारण ये आपके जो दिन दिनचर्या है जिसमें आप धूल के साथ या इन सब चीज़ों के साथ एक्सपोज में आते हैं उस कारण से होता है हालांकि ये समस्याएं दूर तभी होंगी जब आप इनसे बचाव में रखेंगे तो आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप सन यूज कीजिए और कुछ दवाएँ आप अपने लोकल डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा लीजिए क्योंकि ये एलर्जी है तो एक बार वो देख के दवा आपको प्रिस्क्राइब कर दें तो वो दवाएं आप ज़रूर लीजिए और समय समय पे दवा हमेशा अपने पास रखिए और जब भी ऐसी कोई समस्या हो आप उन दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं जी सर तो सर ये तो हो गई आँखों में जलन की बात सर मोतिया बिंद एक सबसे आम डिजीज़ माना जाता है नेत्र रोग में। जी तो सर पहले ये बताएं कि मोतिया बिंद है क्या देखिए मोतियाबिंद एक हमारे आंख के अंदर जैसे कैमरा में लेंस होता है वैसे हमारे आंख के अंदर भी एक लेंस होता है जिसके थ्रू हम देखते हैं तो नॉर्मली जब वो लेंस काम करना बंद कर देता है या लेंस में धुंधलापन आ जाता है तो उससे क्या होता है देखने वाली चीज़ें जो हम रोज़मर्रा में काम करते हैं उसमें तकलीफ़ आने लगती हैं रोशनी धुंधली हो जाती है लोगों को काम करने में तकलीफ होती है तो इस लक्षण को ही मोतियाबिंद कहते हैं पहले लोगों का ऐसा मानना था कि मोतियाबिंद एक सर्टन एज के बाद होता है जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मोतियाबिंद किसी को कभी भी हो सकता है बहुत सारे कारण होते हैं मोतियाबिंद होने का उम्र के कारण मोतियाबिंद हो सकता है किसी तरह से आंख में अगर चोट लगे तो उनको भी मोतियाबिंद हो सकता है बहुत सारे बच्चों में भी मोतियाबिंद होता है इन नवजात बच्चों में भी मोतियाबिंद होता है जिसको हम लोग कंजेटल कैट्रैक्ट कहते हैं वो पैदायशी होता है जन्म से होता है कुछ कुछ लोगों को थोड़ा जन्म के पाँच छः साल या दस साल के बाद होता है जिसको हम लोग डेवलपमेंट कर अट्रैक्ट करते हैं तो ये ऐसे मोतियाबिंद हर उम्र में पाया जाता है लेकिन हाँ आज के भी समय में मोर uh, देन 80 परसेंट अस्सी परसेंट से ज़्यादा मोतियाबिंद उम्र के साथ ही होता है तो ये एक लेंस में होने वाली समस्या है और इस कारण से रोशनी धुंधली हो जाती है लोगों की तो सर ये कह सकते हैं कि मोतियाबिंद किसी सर्टेन एज ग्रुप की बीमारी नहीं।, नहीं है पहले ऐसा माना जाता था कि ये केवल ओल्ड uh, एज में ही होता है लेकिन अभी यह देखा जाता है कि अमूमन हर ग्रुप के लोगों में ये मोतियाबिंद मिल सकता है सर तो uh, अगर इसका प्रॉपर कारण पूछा जाए तो देखिए मोतियाबिंद का कारण अगर आप जानना चाहें तो आ, मैंने जैसे बताया आपको कि 80 परसेंट तो ये उम्र के साथ ही होता है लेकिन जैसे चोट लगने से या कभी कभी बच्चों में भी बिना किसी कारण बच्चों में भी नवजात बच्चों में भी हो सकता है इसलिए मोतियाबिंद का एक सर्टन कारण को पिन पॉइंट करना आ, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप में कारण अलग 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 हो सकते है जी सर तो एक और कॉलर जुड़ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं नमस्कार आप अपना नाम बताइए हेलो मेरा नाम शिवजी प्रसाद है जी आप अपना प्रश्न पूछिए ऐसा है कि आज जो मेरा है वो लाता है डॉक्टर साहब आंख है जो और कोई समस्या है आपको साथ में और दुखता है देखिए वो मैं हम लोग पहले ही इस बात पे चर्चा की है आँख में जो खुजली की समस्या है वो एक कॉमन समस्या है और ये डस्ट के कारण एलर्जी के कारण होता है इसलिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो तो आप आ, अपने लोकल डॉक्टर को दिखा लें और वहाँ पे वो एलर्जी की दवाएं देंगे आपको कुछ वो दवाएं आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एलर्जी जो ऐसी चीज़ है जो समय समय पर होती रहती है और वो डस्ट के कारण या हमारे वातावरण में जो प्रदूषण है उस कारण से होता है कभी कभी मौसम बदलने से भी हो सकता है इसलिए इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें बाहर जब भी जाए सनग्लास यूज़ करें समय पर दवा डालें और ज़रूर अपने डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रहें और दवा हमेशा अपने साथ रखें उसकी जी तो डॉक्टर साहब हमने मोतियाबिंद की बात की इसके कारण के बारे में जाना इसके लक्षण के बारे में जाना तो सर इसके इलाज के बारे में भी हमें बताएं देखिए मोतियाबिंद का सिर्फ एक ही इलाज है ऑपरेशन चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो वो बच, बच्चे में हो यंग में हो या बुज़ुर्गों में हो तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन हो सकता है ऐसा धारणा है कि दवा से मोतियाबिंद ठीक किया, मोतिया किया जा सकता है या चश्मा लगाने से मोतियाबिंद को ठीक किया जा सकता है यह बिल्कुल गलत है मोतियाबिंद चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो किसी कंडीशन में हो और कितना भी हो उसका थी। थी। इलाज केवल और केवल ऑपरेशन ही है ऑपरेशन से हमें मोतियाबिंद को जो लेंस हमारा ख़राब हो गया आँख के अंदर जिसे मोतियाबिंद कह रहे हैं उसे हम ऑपरेशन करके हटा देते हैं और उसकी जगह पर एक नया आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लान कर देते हैं जो कि ठीक उसी वैसा ही काम करता है जैसा हमारा नेचुरल लेंस काम करता है और उससे वैसे ही रोशनी रहती है जैसा हमारा नेचुरल रोशनी, रोशनी रहती है। रहता है तो सर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट हैं उन्हें किस चीज़ से सावधानी बरतनी चाहिए या ऑपरेशन के बाद अपने आँखों का ख्याल कैसे रखना चाहिए देखिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन अब जो हम लोग करते हैं वो बहुत ही आधुनिक टेक्निक से करते हैं जिसको फेको एमलिफिकेशन कहते हैं जिसको कॉमनली फेको कहा जाता है मशीन के आने के बाद ये हमारे मोतियाबिंद के पूरे प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस आ गया है पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन काफी आ, मुश्किल हुआ करता था पेशेंट को बहुत दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था बहुत सारी परेशानियां होती थी बहुत सारी चीजें होती थी जो वो नहीं कर पाते थे लेकिन अब आधुनिक मशीनों के कारण ये सारी चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं बहुत कम ऐसी चीजें हैं परहेज जिसको रखना पड़ता है बहुत सारी कम सावधानियां रखनी पड़ने से भी अब काम चल जाता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन केवल अब कुछ घंटों का ही मसला रह गया है तो आप हॉस्पिटल में से दैट अगर आप सुबह नौ बजे किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में सर्जरी कराने जाते हैं तो आराम से ग्यारह बजे तक आप फ्री हो चुके होते हैं और अपने काम पर लग सकते हैं तो मोतियाबिंद को ऑपरेशन की सारी समस्याएं ऑलमोस्ट मशीन ने ख़त्म कर दी हैं फिर भी कुछ प्रिकॉशंस ऐसे हैं जैसे दवा समय पर दवा डालते रहना चाहिए आपको जो डॉक्टर द्वारा बताया गया है आंखों पे काला चश्मा या सफ़ेद चश्मा या किसी तरह का कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज़ करना चाहिए जिससे कि गलती से भी आप आँखों को चोट ना लगे आँखों को मलना नहीं है आपको कम से कम एक हफ़्ते दस दिन के लिए सिर में पानी नहीं डालना है चेहरे पे पानी नहीं डालना है आप बदन से नहा सकते हैं लोगों की धारणा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं खाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल वो सारी चीज़ें खा सकते हैं जो कि आप ऑपरेशन से पहले, पहले खाते थे खा थे। सकते तो इसलिए अब कोई बहुत ज़्यादा चीज़े चीज़ें मुश्किल नहीं रह गई हैं चीज़ें काफ़ी सिंपल हो गई हैं इन कुछ परेशानियाँ कुछ प्रिकॉशंस को लेकर हम आराम से मोतियाबिंद का ऑपरेशन में ध्यान रख सकते हैं तो एक और कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं नमस्कार आप अपना नाम बताइए राजकुमारी हेलो हेलो हाँ जी अपना नाम बताइए राजकुमारी हाँ तो कहाँ से बोल रही हैं आप अब अपना प्रश्न पूछिए हेलो अब अपना प्रश्न पूछिए माता बहुत ज्यादा करता में दर्द रहता है। आपकी उम्र क्या है साल हो आप चश्मा इस्तेमाल करती हैं जी चश्मा लगाती। चश्मा कब लिया आपने साल हो गया। नहीं चश्मा को काफी समय हो गया आपके पाँच साल चश्मे का चेकअप आपको साल डेढ़ साल में एक बार जरूर कराना है क्योंकि आपके चश्मे का नंबर बदल जाने से भी आपको सर में दर्द रह सकता है तो आप ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, अपने चश्मे के पावर को फिर से दोबारा एक बार चेक कराएं और अगर आपको बीपी, शुगर या ऐसी कोई समस्या है तो उसको भी ज़रूर दिखवाएं क्योंकि वो भी आपके सर में दर्द होने का कारण हो सकता है यस सर तो सर बी शुगर सर ऐसे आपने कहा कि सर में दर्द हो सकता है सर बी शुगर का कोई प्रभाव आंखों पर भी पड़ सकता है देखिए बीपी शुगर का प्रभाव हर तरह से आँखों पर पड़ता है और ये आपके आंखों के आगे वाले हिस्से से लेकर मतलब लेंस और कॉर्निया से लेकर पीछे वाले पर्दे तक रेटिना तक अफेक्ट करते हैं तो आंखों के हर हिस्से को शुगर और बीपी से अफेक्ट हो सकता है तो किस प्रकार इफेक्ट कर सकता आ, है? देखिए अगर हम आगे से लेंसे से चलें तो सबसे पहले तो वो कैट्रैक्ट कर सकता है मोतियाबिन जिसे कहते हैं वो भी एक कारण होता है जी। तो जिन लोगों को शुगर रहता है उन्हें मोतियाबिंद होने का चांसेस बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जल्दी होता है सबसे जो इसमें मुश्किल चीज़ें होती हैं मतलब सबसे जो इम्पॉर्टेंट वो हमारा होता है शुगर के कारण या हाइपरटेंशन के कारण बीपी के कारण वो रेटिनाप इफेक्ट होता है जिसे नस का पर्दा कहते हैं या नस कहते हैं तो इसमें होने वाली समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं अनकंट्रोल डायबिटीज़ के कारण या अनकंट्रोल्ड बीपी होने के कारण नसों में सूजन आ जाती है उसमें पानी भर जाता है और एक्सट्रीम कंडीशंस में जब हम इसका ध्यान नहीं रखते या डॉक्टर को नहीं दिखाते तो उसमें रक्त भी भर सकता है एक बार खून जम जाने के बाद रोशनी अचानक से कम हो जाती है और फिर वहाँ से नॉर्मल आने में बहुत समय लग जाता है इसलिए शुगर का कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है ऐसा कहते हैं कि शुगर जितने दिनों से रहेगा और जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा समस्याएं उतनी ज़्यादा बढ़ती है फ्लैक्चुएशन का मतलब है कि, कि किसी दिन आपका शुगर 100 है फिर नेक्स्ट डे 200 हो गया फिर कभी 150 फिर 300 तो ये जो शुगर का अप पर नीचे ऊपर नीचे जाना है ये आंखों में समस्याएं ज़्यादा पैदा करती है इसलिए शुगर को एक लेवल पर रखना बहुत ज़रूरी है और अगर आपके शुगर में चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको एटलीस्ट चार पाँच महीने में एक बार या एटलीस्ट छः महीने में एक बार अपने आंख के डॉक्टर को ज़रूर पर्दे की जांच करवानी चाहिए क्योंकि अगर हम जल्दी से इसका मतलब अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोज कर लेते हैं इसका पता लगा लेते हैं तो इसका इलाज भी अच्छा होता है और इसका रिजल्ट भी अच्छा होता है तो नमस्कार आप अपना नाम बताइए रेणुका रानी जी रेणुका जी कहाँ से बोल रही है आप हम मुंगेर जिला सगरामपुर प्रखंड से बोल रही हैं। जी तो आपका क्या प्रश्न है रेणुका जी आप एक बार फिर से बोलेंगी तो आँख में हाँ। हालो। हालो। हाँ, जी बोलिए हाँ आँख में खिंचाऊपन है दोनों आँख में कष्ट बुझाता है अच्छा आपकी उम्र क्या है हाँ। रेणुका जी मेरी अभी फिफ्टी टू क्या आप चश्मा इस्तेमाल करती है हाँ कुछ लिखने पढ़ने में मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ अच्छा जी आप तो ये आपने अपने चश्मे का जांच कब करवाया है तो हो गया महीने पहले कराया है चश्मा हाँ, केवल आप अपने पढ़ने में इस्तेमाल करती हैं है हाँ, लिखने पढ़ने में लिखने पढ़ने में आप कंप्यूटर का काम करती हैं ज्यादा नहीं लिखाई का लिखाई पढ़ाई का काम करती है ठीक है तो आप जितने देर भी लिखाई पढ़ाई का काम करती हैं उतने देर अपना चश्मा जरूर इस्तेमाल करें और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोस ये एक दवा है ये आपको दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगा और अगर आप इसको दिन में तीन बार इस्तेमाल करेंगी तीन या चार बार एक एक बूंद करके दोनों आँखों में तो पंद्रह बीस दिन इस्तेमाल करने के बाद आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी दवा फिर से मैं आपको बता देता हूँ ये कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोस है तो रेणुका जी मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बातों पर आप ध्यान देंगी और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे अभी बीपी और शुगर के बारे में कि आँखों पर क्या प्रभाव कैसे पड़ता है तो सर आँखों की रोशनी अगर कहें तो उस पर भी असर पड़ता ही होगा हाँ जब आपके लेंस पे इफेक्ट है और आपके रेटना पे इफेक्ट गया तो रोशनी पे जरूर इफेक्ट होगा आपका लेंस में अगर मोतियाबिंद होता है या रेटना में सूजन आती है या खून जमा होता है तो रोशनी हमेशा ज़रूर कम होगी इसमें तो सर कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है देखिए बढ़ाने के लिए फिर मैंने वही बताया अगर मोतियाबिंद है तो हमें उसे हटाना पड़ेगा लेंस लगाना पड़ेगा और अगर नसों में तकलीफ़ हुई है तो फिर उसका इलाज थोड़ा लंबा होता है समय ज़्यादा लगता है और जो उसकी रिकवरी टाइम है मतलब जो ठीक होने का जो समय है वो थोड़ा लंबा होता है लेकिन अगर हम जल्दी इसका पता लगा लेते हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होती है तो, तो जल्दी पता लगाने के लिए मतलब ऐसे कोई लक्षण हो जो हमें पता होना चाहिए कि हमें देखिए अगर पेशेंट को शुगर है तो लक्षण का इंतज़ार नहीं करना है अगर आप अगर किसी को शुगर है या बीपी की शिकायत है तो ये उसका नियम होना चाहिए कि हर आठ दस महीने में एक बार या समय न मिलने पर एटलीस्ट साल में एक बार चेकअप ज़रूर करवाएँ और आप जब भी चेकअप कराएं ये ज़रूर आप सुनिश्चित कर लें कि आपको रेटिना का चेकअप जरूर हुआ हो केवल आँख के चश्मे का पावर चेक करा के वापस आ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर लक्षण आने लगेंगे तब तक देर बहुत हो चुकी होगी क्योंकि लक्षण आने में सबसे ज्यादा समय लगता है जब आंखों की तकलीफ काफी बढ़ जाती है तब लक्षण आना शुरू होते हैं तो अगर किसी पेशेंट को लक्षण आने लगे या किसी रोगी को लक्षण आने लगते हैं इसका मतलब है कि उसके अंदर जो बीमारियां हैं वो काफी बढ़ चुकी है इसलिए लक्षण आने का इंतजार ना करते हुए आप अगर किसी को शुगर है या बीपी का शिकायत है तो साल में एक बार जरूर चेक करवाएं आंखों को और सिर्फ मतलब रोशनी कम होने का इंतजार ना करें तो दर्शकों इस बातों पे आप ध्यान देंगे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें इंतजार नहीं करना है बहुत छह महीने या एक साल पे हमें चेकअप जरूर कराना चाहिए आँखों का वरना आगे तकलीफ बढ़ सकती है तो एक और कॉलर जो रहे डॉक्टर साहब हम उनसे बात कर लेते हैं नमस्कार आप अपना नाम बताइए जी मेरा नाम धनेश्वर है जी धनेश्वर जी कहाँ से बोल रहे हैं आप छत्तीसगढ़ से जी क्या प्रश्न है आपका मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग तीन भाई और जब से पैदा हुए हैं तब से लोगों तो को दिन में दिखता है तो कर ले लेकिन रात में प्रॉब्लम होता है सहारे का लाइट तो उजाने में तो दिखता है लेकिन ऐसा नहीं दिखता इस चीज का इलाज हम डॉक्टर से भी पूछने गए थे तो डॉक्टर भी बताता है आप लोगों को ऐसे ही जितना चश्मा लगा है उतना आप चश्मा लगा तो बस लगाए देखिए आप जैसा तकलीफ बता रहे हैं कि आप तीनों भाइयों में एक जैसी चीजें हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज है आपकी आंख के अंदर जो आपके जेनेटिक आपके जीन से जुड़ी है तभी आप तीनों भाइयों में एक जैसी प्रॉब्लम है क्या आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं सर मुझे लगता है कि संपर्क थोड़ा टूट चुका है पर ऐसे सर आप बताएं देखिए जो समस्या वो बता रहे हैं एक्चुअली वो जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है कोई जेनेटिक डिजीज है तभी सारे भाइयों में है वो तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं जहाँ तक उनके बोलने से ऐसा लग रहा है कि वो ये बता रहे हैं कि दिन में तो उन्हें दिखता है बट रात को चश्मा उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है दो चीज़ें हो सकती हैं या तो उन्हें रतौंधी की शिकायत है जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं रतौंधी वो हो सकता है और नहीं तो कभी कभी ऐसे केसेस में हाई पावर का चश्मा अगर होता है तो उसमें रेटिनल डीजनरेशन होता है मतलब उनका जो नस होता है रेटिना होता है वो काफ़ी वीक होता है तो जब वो रेटना वीक होता है तो कम लाइट में वो काम नहीं कर पाता है तो इस केसेस में उनसे मेरी पूरी बात नहीं हो पाई शायद वो इन ती, तीनों भाई शायद हाई पावर का चश्मा यूज़ करते होंगे मोटा चश्मा यूज करते होंगे ये कारण हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें रटौंधी की शिकायत हो तो इन दोनों कंडीशंस में अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस में अभी इसका कोई श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं है तो उन्हें चश्मे पे ही अपना काम चलाना होगा तो धनेश्वर जी आप ये हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो डॉक्टर साहब ने जो बताया मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जरूर सुना होगा और समझा होगा तो डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया नाइट ब्लाइंडनेस का इसके बारे में कुछ बताएं हमें देखिए नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी कहते हैं वो नॉर्मली बच्चों में आ, से शुरू होती है और ये वैसे ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमारे जीन्स के साथ रिलेटेड होती हैं तो ये इसके साथ एक चीज़ें ये है कि ये फैमिली में चलती है अगर एक भाई को है तो दूसरे भाई में होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और फिर उसके अगले पीढ़ी में भी होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं इस कंडीशन में पेशेंट्स को दिन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती बट रात में जैसे ही शाम होती है लाइट्स कम होती हैं उन्हें दिखने में परेशानियाँ होने लगती हैं तो ये रतौंधी से कहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली है इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है, हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में देनी है बच्चों को और दूसरा अगर उन्हें किसी भी तरह का ग्लासेस या चश्मा दिया गया है तो वो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए इससे उन्हें काफी मदद मिलती है नमस्कार आप अपना नाम बताइए अमन जी तो कहा जी अमन जी आप अपना प्रश्न पूछिए तो, तो 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 अमन जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है एक बार फिर से बोलेंगे हाँ पिताजी को तो साल पहले उनको तो गुलकोमा तक कुछ साल से नहीं है। साल से आपने बताया हालांकि आपका प्रश्न मुझे हमें बहुत ज़्यादा क्लियर सुनाई नहीं दिया लेकिन मैं आपको अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि छह साल से उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा पहले उन्हें ग्लोकोमा रोग था तो आ, ये ग्लोकोमा का एडवांस स्टेज हो सकता है ग्लोकोमा जिसे हम नॉर्मल नौ, बोलचाल की भाषा में काला मोतीबिंद की तरह जानते हैं ये नसों में होने वाली बीमारी है और इसमें क्या है कि ये बहुत स्लो प्रोग्रेस करता है लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इससे होने वाली जो परेशानियाँ हैं या इसे होने वाले जो विजन लॉस है उससे हमें वापस नहीं ला सकते हम क्योंकि ये जो डैमेज है वो परमानेंट होता है और ये हमेशा पेशेंट के साथ रहता है इसमें आ, अलग अलग तरीके की दवाएं होती हैं सर्जरी होती है अब हमें इनके कॉल से बहुत क्लियरली पता नहीं जी, चला पाया कि इनके पिताजी का क्या कंडीशन है अभी लेकिन जहां तक इनके प्रश्न से मुझे लगता है कि शायद ये काफ़ी ओल्ड केस है ग्लोकोमा का और इन्हें इनके पिताजी को काफ़ी दिनों से काला मत इनकी शिकायत रही है और अब शायद कुछ वर्षों में उनका उनकी रोशनी काफ़ी कम हो गई है शायद वो एडवांस स्टेज में चले गए जहाँ से जहाँ पर उनकी नसें काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं इसलिए शायद उन्हें यह समस्याएँ हो रही हैं तो डॉक्टर साहब आप अंत में कोई मैसेज देना चाहें कि अपने लाइफ और खान पान में लोग कैसे अपने आप को ठीक रख सकें अपने आँखों को स्वस्थ रख सकें देखिए आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना जी समय पे अपना चेकअप कराते रहें जैसे हमने बातें जहाँ से शुरू की थी समय पर चेकअप कराते रहें दवाइयाँ हमेशा पूछ के लें खानों खाना में हरी सब्जियाँ जरूर लें गाजर पालक या किसी भी तरह का साग जो आपको पसंद हो वो जरूर लें बच्चों में भी आदत डालें कि एटलीस्ट तीन खाने में ब्रेकफास्ट uh, लंच और डिनर में से किसी भी एक में हरी सब्जियां ज़रूर लें गाजर और इन सब चीज़ों का सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध और ऐसी पदार्थों का इस्तेमाल करें जो हमारे सेहत के लिए अच्छी होती हैं और समय पर अपना इलाज कराते रहें अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो जरूर डॉक्टर से मिलें तो थैंक यू डॉक्टर साहब आप अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ आए और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी धन्यवाद तो दर्शकों मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की सारी बातों को आप अपने जहन में रख कर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज का यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहें डी डी बिहार स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें नमस्कार शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश हुआ।